Hi dear student, very good morning from Khan sir. Today we will try to understand some of the topic which we have been taken from the solid state chemistry. The name of topic is as unit cell and type of unit cell, and finally we will try to understand the density of the unit cell. Okay dear students, so I hope just be with me. We will try to understand all this topic one by one. इन सब टॉपिक को हम एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. पहले हम सीखेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, और यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं. ओके, बेसिकली इस तरह की स्टडी जो सॉलिड्स होते हैं उनसे रिलेटेड है. सॉलिड किस तरह से बने होते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है. तो पहले हम सीखेंगे कि यूनिट सेल बच्चों होता क्या है, ठीक है, यूनिट सेल, ठीक है. जैसा कि इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. जैसे कि आमतौर पे हमारे इंडिया में हम अगर घर बनाते हैं तो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो वो जो ईंटें होती वो जो होती है वो अपनी जो दीवार होती है उसका स्मॉल पोर्शन होती है, मतलब हजारों ईंटों से दीवार बनती है, ठीक है. उसी तरह से हमारा जो सॉलिड्स है, जो भी अलग अलग तरह के सॉलिड्स है, शुगर है, फिर बाद में हमारा सिलिका है, ये जो सॉलिड्स है ये इसी तरह के जो स्मॉल पोर्शन होते हैं उस जिस स्मॉल पोर्शन से सॉलिड बना होता है उस स्मॉल पोर्शन को कहा जाता है यूनिट सेल. अब मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा. इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन of a crystal lattice is called unit cell. Okay, जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है बच्चों के जो सॉलिड्स होगा उसका सबसे छोटा जो पार्ट्स होगा उन बारीक बारीक पार्ट्स से जब जो सॉलिड बना होगा उसी बारीक पार्ट्स को छोटे से पार्ट्स को कहा जाता है यूनिट सेल. सेल इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है. तो इस तरह से हमने यूनिट सेल को समझ लिया बच्चों. यूनिट सेल को समझना है तो उसके बाद हम जो है उसके जो टाइप है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली यूनिट सेल होता क्या है और उसके टाइप. तो हम अब इसके बाद हम उसके टाइप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. यूनिट सेल के जो टाइप्स होते हैं बेसिकली यहां पर यूनिट सेल के जो टाइप है वो कितने हैं, तीन है. कितने हैं यूनिट सेल के जो टाइप है वो कितने हैं बच्चों, तीन है. तो वो टाइप कुछ इस तरह से बच्चों देख लीजिए आप. द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इज लाइक है, एक है अपना एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, ओके, सिंपल क्यूबिक सेल. उसके बाद है हमारा एफसीसी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और उसके बाद है हमारा दैट इज बीसीसी दैट इज बॉडी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है. तो यूनिट सेल के बेसिकली इतने टाइप है बच्चों, दैट इज एससीसी एफसीसी और बीसीसी, ठीक है. अब ये जो यूनिट सेल कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है. हाँ, तो उसमें का जो पहला टॉपिक है हमारा यूनिट सेल का जो पहला टॉपिक है दैट इज कौन सा है, वो दैट इज एससीसी, ठीक है. तो पहला जो हमारा क्या है, एस सी सी सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है. अब इसको समझाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा एक एग्जांपल है आपके लिए. एक्चुअली ये क्यूब तो नहीं है लेकिन क्यूब जैसा दिखाई देता. जैसा कि आप इसको देख लो कि इसको कॉर्नर कितने, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, ठीक है. एक क्यूब को कितने होते हैं, आठ कॉर्नर होते हैं, ठीक है. तो
ऐसी कंडीशन जहां पर जो पार्टिकल है इन आठों कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होता होगा, ठीक है, जो पार्टिकल है वो आठों कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होता होगा, तब उस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. व्हेन द पार्टिकल आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब ऑफ एन यूनिट सेल इट्स कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक सेल. ठीक है, तो इसकी मैं डायग्राम यहां पर बच्चों आपको निकालने की कोशिश करूंगा. इस तरह से होगी कुछ डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है यहां पर. तो इस तरह से होगा, जैसे कि ये हो गया हमारा एक क्यूब. ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, जो आठों कॉर्नर है उन्हीं आठों कॉर्नर पे क्या होता है, पार्टिकल जो है या एटम है जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आठों जो कॉर्नर होते हैं किसी भी क्यूब के, वहां पर ही हमारा जो एटम है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है. एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां, एक यहां और चार नीचे से. द कंडीशन एट विच एटम्स आर प्रेजेंट एट द एट कॉर्नर ऑफ एन यूनिट सेल, सच यूनिट सेल इज कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, तो इसके बाद का जो हमारा यूनिट सेल है बच्चों, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश यहां पर अब करेंगे. ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो यूनिट सेल है वो है दैट इज एफसीसी. एफसीसी मतलब इसका जो नाम है दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक सेल. अब इसमें क्या होगा, मैं फिर से आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा. जो आठो कॉर्नर है उस आठो कॉर्नर पे क्या होगा, पार्टिकल होगा. ठीक है, और आठो कॉर्नर के बाद इसके फेस कितने, एक दो तीन चार पांच और एक छह. ठीक है, एक जो क्यूब होता है उसको छह फेस होते, और उन छो फेस पे भी क्या होगा, एटम होगा. तो उस तरह की कंडीशन में हम उस तरह के यूनिट सेल को कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. मतलब आठों कॉर्नर पर एटम और जो क्यूब के जो छह फेस होते हैं वहां पर भी एटम अगर प्रेजेंट होगा तो उस तरह के यूनिट सेल को हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. अब इसकी डायग्राम मैं यहां पर निकालने की कोशिश करूंगा, वो कुछ इस तरह से होगी बच्चों. इट विल बी लाइक दिस. हाँ, तो जैसा कि हमारे डिफिनेशन में कहा गया है कि आठों जो कॉर्नर हो गए वहां पर भी एटम होगा. ठीक है, एक दो और इस तरह से आपके ये आठों कॉर्नर पे आठ एटम आ गए. अब आपको पता है एक जो क्यूब होता है उस क्यूब के कितने फेस होते हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, और छह फेस पे क्या होगा, एटम होगा. ठीक है, उस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाँ, जब आठों कॉर्नर पे एटम और छह फेसों पे भी एटम होगा किसी क्यूब के, तो उस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. इसका एग्जांपल यहां पर हमने ले लिया है. इसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट जो यूनिट सेल होता है बच्चों वो क्या होता है, दैट इज द बीसीसी. बीसीसी अब बीसीसी में क्या होगा, उसका मैं आपको पहले डायग्राम निकालूंगा और फिर बाद में आपको समझाने की कोशिश थोड़ी करूंगा. ठीक है, बीसीसी में क्या होगा, जो क्यूब हो गए किसी भी यूनिट सेल का, जो क्यूब होता है उसके आठों सेंटर पे क्या होगा, जो कॉर्नर है उसके आठों कॉर्नर पे क्या होगा, आपका एटम प्रेजेंट होगा, और एक बीच में होगा मतलब बॉडी सेंटर, एक बीच में भी एक एटम होगा. ठीक है, तो उस तरह के यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, बीसीसी. ये देखिए जिस तरह से, फिर से आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि ये एक क्यूब है. ठीक है, तो जब कभी भी इसके आठों कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा और बीच में एट द मिडल ऑफ दिस क्यूब एक और एटम अगर प्रेजेंट होगा तो उस तरह के यूनिट सेल को आप कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने हमारे जो यूनिट सेल और उनके टाइप यहां पर कंप्लीट कर लिए. ठीक है, तो हमने बेसिकली तीन टाइप यूनिट सेल के आज समझे. पहला जो टाइप था दैट इज द एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल. उसके बाद हमने बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. आफ्टर दैट हमने समझा एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. और लास्ट में हम समझेंगे आप दैट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, डेंसिटी मतलब उस यूनिट सेल की, वो यूनिट सेल कितना अंदर से भरा हुआ है और कितना खाली है,
उसको पहचानने के लिए एक हमारे पास एक इक्वेशन है या फिर एक फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले से हम उसको क्या करते हैं, उसकी जो डेंसिटी है वो निकालने की कोशिश करते, ठीक है। सो देन दैट इज द डेंसिटी ऑफ एन यूनिट सेल इज एज फॉलोज, ठीक है। अब क्या होगा, डेंसिटी जो है हमारी, किसी भी डेंसिटी कैसी होती है, डेंसिटी इज नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो सिंपल फॉर्मूला है डेंसिटी का, इसी को हम यूज करके क्या करेंगे, जो हमारा किसी भी लैटिस का या किसी भी यूनिट सेल की जो डेंसिटी हम निकालते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला पर यहां पर हम अभी बनाएंगे। दैट इज, सो डेंसिटी मतलब क्या हो जाएंगी, दैट इज जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 3 इंटू एम ए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला हम किसी भी सॉलिड की या किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब डी जो है आपकी डेंसिटी हो गई, ठीक है, डी इज इक्वल टू डेंसिटी, और आपका जो जेड है दैट इज पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है, जैसा कि पता है आपको एससीसी में कितने होते हैं पार्टिकल, दैट इज 1, बीसीसी में कितने होते हैं, दैट इज 2, एफसीसी में कितने होते हैं, 4, मतलब जो आपकी जेड की वैल्यू है, अगर आपको जो सॉलिड अगर दिया गया है एससीसी का तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1, बीसीसी का अगर सॉलिड आपको दिया गया है तो 2, और एफसीसी का अगर सॉलिड है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक है। उसके बाद एम जो है दैट इज द मास ऑफ यूनिट सेल, या सॉलिड भी बोल सकते हैं आप इसको, जो भी सॉलिड आपको दिया होगा, ए टू द पावर 3, इट इज द एज लेंथ, ओके, और एन ए जो है हमारा, ठीक है, और एन ए जो है हमारा दैट इज द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी जो हमारा सॉलिड है उस सॉलिड के एससीसी, बीसीसी और एफसीसी टाइप के जो सॉलिड्स है उनकी डेंसिटी यहां पर निकाल सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया बच्चों, अगर हमें, मान लो अगर हमें डेंसिटी नहीं पूछी गई है, हमें एज लेंथ अगर पूछी गई है, ठीक है, समटाइम वो एम की वैल्यू भी निकालने के लिए कहते और समटाइम वो ए की वैल्यू भी निकालने के लिए कहते, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड इंटू एम, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय डी इंटू एन ए, ठीक है। जब आपको ए की वैल्यू पूछी जाए तो ये इस तरह के फॉर्मूले को आपको यूज करना है, ठीक है, ठीक है, विच इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एज लेंथ की, अगर वैल्यू हमें पूछी गई तो हमको इस तरह के फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है।